तो ये है हमारी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर में कहाँ होती है, पहला सवाल। कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं कहाँ पर है। तो ये आपने अगर पढ़ा हो ज्ञानेंद्रियां, ये पांच हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां है, और ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या है सबसे पहले ये समझ लो। तो ज्ञानेंद्रियां मतलब ज्ञान को प्राप्त करने, कौन सा ज्ञान, जो बाहर है। ठीक है, देखो बाहर की कोई भी चीज़ है उसको देखने का काम जो है वो हमारी आंखें करेगी। बाहर की कोई भी गंध अगर आ रही है तो उसको सूंघने का काम नाक करेगा। बाहर की कोई भी आवाज़ें हैं उसको ग्रहण करने का काम कान करेंगे। बाहर की कोई भी चीज़ों का कोई स्वाद है उसके लिए जीभ है हमारी, और त्वचा, ये इम्पोर्टेंट है। बाहर की जो वातावरण है उसको प्राप्त करने के लिए त्वचा। बाहर का वातावरण से मतलब बाहर सर्दी है तुमको पता चल जाता है सर्दी है, कोई चीज़ गर्म है ठंडी है, ठीक है, या कोई तुम्हें छू रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी त्वचा के द्वारा पता चलते हैं। तो ये पांचों चीज़ें जो है इनको हम बोलते हैं ज्ञानेंद्रियां, और ये पांचों चीज़ें काम करती है तंत्रिका से। ठीक है, इन पांचों चीज़ें, इनके अंदर तंत्रिकाएं हैं और तंत्रिकाओं के द्वारा ही हमें इन चीज़ों का, इनसे जो प्राप्त जो संवेदनाएं होगी, तो क्या मतलब जो बाहर से क्या ग्रहण करती है उनको हम क्या कहेंगे विज्ञान की भाषा में, क्या कहेंगे? एक विज्ञान के हिसाब से तंत्रिका कोशिकाएँ क्या ग्रहण कर रही है, तो उनको देखो हम उद्दीपन भी कह सकते हैं, सूचना भी कह सकते हैं, आवेग भी कह सकते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, कुछ भी कह लो। तो पांचों चीज़ें तंत्रिकाओं से काम कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल ये आता है कि तंत्रिका कोशिका की बनावट, इसकी संरचना। तो यहाँ पे ये सामने चित्र है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उनको समझ लो। देखो ये है मेन कोशिका का जो मुख्य भाग है, जिसका अपन कहते हैं शरीर, मुख्य शरीर। इस पूरी कोशिका का मुख्य शरीर है ये। ठीक है, और शरीर को हम क्या बोलते हैं, काया। ठीक है, तो उसी के हिसाब से ये हो गया कोशिका काय। ठीक, कोशिका काय। इस कोशिका काय में आप देखो, कोशिका है तो केंद्रक तो होगा। ठीक है, ये केंद्रक है, और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है ठीक है, ये कोशिका द्रव है। और इसके अलावा तुमको कुछ टांगे नजर आ रही है इसकी, ठीक है, और इन टांगों के लास्ट में तुमको इस तरह के संरचनाएं नजर आ रही है। इन संरचनाओं को हम कहते हैं द्रुमाक्ष। ठीक है, डेंड्रोन, इंग्लिश में बोलते हैं इनको डेंड्रोन। ठीक है, यहाँ की सब चीजें हो गई। आगे तुमको देखो ये इस तरह की जो संरचनाएं नजर आ रही है इनको हम बोलते हैं, ठीक है, ये पूरी संरचना यहां तक, ये जो संरचना है इसको बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। ठीक, और यहां पे देखो लास्ट में ये जो पूंछ नजर आ रही है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेना। और ये क्यों होती है ये भी मैं बताऊंगा। देखो ये है पोटलियां हैं, इनको हम कहते हैं सिनेप्टिक पुटिका। ठीक है, और यहां पे कुछ खाली जगह है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक अलग नई कोशिका इस तरह की आगे फिर आ जाएगी, तो इस खाली जगह को हम कहते हैं सिनेप्स।
ठीक है। अब ये संरचना हो गई इसकी, द्रुमाक्ष, कोशिका काय, केंद्रक, कोशिका द्रव, और इसके बाद तंत्रिकाक्ष, सिनेप्टिक पुटिका और सिनेप्स, ठीक है। ये इसकी संरचना है, इसकी बनावट है। और अब ये समझो कि कैसे हम किसी बाहर की जो संवेदना है, ठीक है, एक और नाम है इसका संवेदना, ठीक है, तो बाहर की संवेदनाओं को किस प्रकार से ये ग्रहण करती है और हमारे मस्तिष्क तक भेजती है। अब इसको समझने के लिए देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, क्लियर समझ नहीं पाते कि ये किस प्रकार काम करती है। आज के बाद अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आज के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि कैसे एक तंत्रिका काम करती है, ठीक है। आप ध्यान से समझते जाओ। थोड़ी देर के लिए हम समझने के लिए त्वचा को ले लेते हैं। हालांकि जो पांच ज्ञानेंद्री बताई वो सभी तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई है, और वो सभी जो काम करती है वो तंत्रिकाओं के द्वारा करती है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। हम त्वचा को लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, हाथ, ये ड्रेकुला का सा हाथ है, तो हाथ समझ लो इसको। और देखो यहाँ पे एक तंत्रिका है, इस तरह की एक तंत्रिका यहाँ पे है, ठीक है भाई। फिर आगे इस तरह की फिर एक कोशिका आ गई, इसके द्रुमाक्ष जो है वो पूरे हाथ में फैले हुए हैं, ठीक है, पूरी उंगलियों में फैले हुए हैं। और ये जो द्रुमाक्ष है इनमें से फिर और बारीक बारीक द्रुमाक्ष फैले रहेंगे, मतलब हमारी त्वचा का कोई भी ऐसी जगह नहीं बचेगी जहां पे ये द्रुमाक्ष नहीं फैले हुए, ठीक है। ये पूरा हाथ जो दिख रहा है हर जगह पे, क्योंकि तुम कहीं पे भी छू लो, कहीं पे भी तुम टच करोगे तुमको पता चल जाएगा, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, ये द्रुमाक्ष है। और ये द्रुमाक्ष ही है जो इस छूने को, मतलब इस संवेदना को, इस आवेग को क्या कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, कौन, ये द्रुमाक्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये हाथ में पूरे द्रुमाक्ष फैले हुए हैं, ठीक है भाई, इस तरह से। अब मान लो कि ये हाथ है और आप कहीं पर भी आपने पैन टच किया, ठीक है, तो इस स्थान पे जो द्रुमाक्ष होगा वो उस संवेदना को क्या करेगा, कैच करेगा, उस संवेदना को कैच करेगा और कहाँ भेज देगा, यहाँ पे कोशिका काय में, ठीक है। मतलब यहाँ से द्रुमाक्ष जो है, कोई भी द्रुमाक्ष यहाँ से संवेदनाओं को कैच करेगा, पकड़ेगा और उसको कहाँ भेज देगा, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये जो जीद्रक दिख रहा है इसके अंदर कुछ खास प्रकार के केमिकल है, यहाँ पे कुछ रासायनिक पदार्थ है, तो ये जो सूचना इधर से आएगी, जो आवेग जो इधर से आएगा वो यहाँ पे ये केमिकल जो है रासायनिक पदार्थ उसको किस में बदल देंगे, विद्युत आवेग में, ठीक है। मतलब एक हल्का सा करंट बनेगा, ठीक है, वो इतना तेज नहीं होगा कि तुमको झटका लग जाए, बहुत हल्का सा होता है, लेकिन कुल मिला के जो सूचना जो इधर से आई वो इसमें बदल गया, विद्युत आवेग में, ठीक है। और अब विद्युत आवेग जो है वो इधर चलेगा, किधर चलेगा, इधर आगे की तरफ, यूं चलेगा, यूं चलेगा और यहाँ आ जाएगा। अब अगर तुम देखो कि एक छोटा सा उदाहरण समझ लो एक बार, ये हमारा एक सेल है और ये तार हमने एक इधर लिया, एक इधर से तार लिया और एक हमने एक छोटा सा बल्ब जलाया, ठीक है। अगर इस तार को अगर हम थोड़ा लंबा कर दें, ठीक है, इस तार को हम यूं घुमा के, बहुत बड़ा तार लाते हैं इधर से, इसको यूं घुमा के यूं लाते हैं, तो अब बल्ब जो है वो थोड़ा कम जलेगा। क्यों जलेगा कम? अरे भाई ये तार लंबा हो गया, तो जब बिजली इसमें से इतने लंबे रास्ते में से गुजरेगी तो कम भी तो हो जाएगा, करंट खर्च हो जाएगा यहाँ बीच में, तो बल्ब तक तो करंट कम पहुँचेगा, तो ऐसी कंडीशन में बल्ब कम जलेगा,
तो ये तार जितना छोटा होगा बल्ब उतना बढ़िया चलेगा, तेज चलेगा, और तार जितना लंबा बल्ब उतना ही कम। तो यही पोजीशन यहाँ हो रही है। जब यहाँ पे आवेग आया वो विद्युत में बदल गया, ठीक है, विद्युत आवेग में, और वो जब यहाँ से और यहाँ तक आएगा तो इस रास्ते में वो विद्युत आवेग क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। थोड़ी देर उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यहाँ से देखो इतना होता नहीं है करंट, बहुत मामूली सा होता है, पर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ से आवेग आया और एक वोल्टेज का करंट बना, एक वोल्टेज का, ठीक है, एक वोल्टेज करंट जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो भाई वो बाद एक वोल्टेज रह जाएगा, और यहाँ से जब ये यहाँ से आके और अगली कोशिका में जाएगा तो यहाँ खाली स्थान है तो वो और भी कम हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे फिर ये कोशिका और आगे जा रही है, फिर और आगे कोशिका है, कई कोशिकाएँ जुड़ेगी, तब जाके वो मस्तिष्क तक पहुँचेगा, तो मस्तिष्क तक तो वो आवेग बिल्कुल कम हो जाएगा, समझ गए। तो इसका क्या इलाज है, अब आवेग देखो अगर मस्तिष्क में कम पहुँचेगा तो तुमको अनुभव भी क्या होगा, कम होगा, मतलब आपको कोई पेन चुभता है या कोई नुकीली चीज़ अगर आपके यहाँ पे चुभती है तो वो चुभ तो तेज रही है लेकिन आपके दिमाग तक वो क्या पहुँची, बहुत हल्का, तो उससे क्या होगा कि आप हाथ को हटाओगे नहीं और वो चीज़ आपके यहाँ पे चुभ जाएगी, ठीक है, और शरीर को क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इसी नुकसान से बचाने के लिए यहाँ पे इस तंत्रिका कोशिका में एक सिस्टम किया हुआ है कि ये जो करंट कम हो गया आधा वोल्टेज, इसको वापस बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितना आवेग यहाँ से आया है उतना का उतना ही मस्तिष्क तक पहुँचे, वो उतना ही आपको क्या हो, अनुभव, ठीक है। तो उसके लिए क्या सिस्टम किया है, देखो यहाँ पे ये जो सिनेप्टिक कुटिकाएँ जो तुमको दिख रही है, ठीक है, इनमें भी कुछ खास तरह के केमिकल हैं, उन केमिकलों को हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो का मतलब अपने आवेग, ट्रांसमिट करना मतलब उसको बढ़ा देना, ठीक है। तो कुछ ऐसे केमिकल हैं, तो ये जो आधा वोल्टेज कम हो गया उसको ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, वापस बढ़ा देगा और ये वापस एक वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ खाली स्थान है, ठीक है, और यहाँ से ये आवेग इस खाली स्थान से होते हुए अगली तंत्रिका कोशिका में पहुँच जाएंगे और फिर वो कोशिका और अगली को पहुँचाएगी, और इस तरह से ये जो आवेग यहाँ से प्राप्त हुआ वो हमारे मस्तिष्क तक उतना का उतना ही पहुँच जाएगा, उसमें कमी नहीं होगी, किसकी वजह से, न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से, ठीक है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है। तो अभी इसमें क्या दिक्कत आई बताओ, जो चीज़ आज तक तुम हो सकता है नहीं समझे वो अब तुमको बिल्कुल क्लियर हो गई। इसमें कोई सवाल है, अगर इसमें कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।